भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए रवाना हुई है, जो देश के करीब 10-12 राज्य और 2 के केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी। राजस्थान में ये यात्रा 4 दिसंबर को प्रवेश करेगी झालावाड़ जिले में, और इस रेंज में झालावाड़ के बाद कोटा ग्रामीण होते हुए 8 तारीख को ये यात्रा कोटा शहर में, 7 तारीख को शाम को ये प्रवेश करेगी, और उसके बाद 8 तारीख को ये बूंदी जिले से होती हुई आगे सवाईमाधोपुर, दौसा और अलवर इसका अंतिम पड़ाव होगा। हमने जो यात्रा के दौरान कितने लोग उनके साथ रहते हैं और सुरक्षा के क्या प्रबंध पूर्व के जिलों में किए जा रहे हैं, पूर्व के राज्यों में, इसके लिए पूरी रेंज के चुनिंदा अधिकारियों की एक टीम वहाँ पर भेजी थी मध्य प्रदेश में। उन्होंने 2-3 दिन वहाँ रह कर के पूरा स्टडी किया कि उनकी मूवमेंट के दौरान कितने लोग साथ रहते हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है, क्या रूटीन रहता है, ये सारी स्टडी करके हमारी जो लोकल कंडीशंस हैं उनके ध्यान में रखते हुए जो भी सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए जाने अपेक्षित हैं वो करेंगे। पूरा जो रूट है उसका यातायात का प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। इसके लिए जिस दिन यात्रा कोटा झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी उसी दिन से इस रूट पर जाने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट करना ये हमारा मुख्य ध्येय रहेगा। लोगों को इस संबंध में हम समय पूर्व बताने की कोशिश करेंगे कि चूंकि वहाँ से यात्रा आ रही है इसलिए इस रूट पर यात्रा नहीं करके किसी अन्य मार्ग को चुने, अन्य विकल्प जो भी उपलब्ध हैं वहाँ से यात्रा करें। पिछले दिनों कुछ संगठनों द्वारा जिस तरह की मांग की गई है अपनी मांगों को लेकर यात्रा को रोकने की।